नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अंशिमा बुटीक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत फुल स्लीव की स्टिचिंग बताऊंगी। इस स्लीव की कटिंग, जैसे हर कुर्ती की स्लीव की कटिंग हम करते हैं, उसी तरह से कर लेंगे। आपको जिस साइज का कुर्ती बनाना है, उस साइज के हिसाब से स्लीव की कटिंग कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, इतना याद रखिएगा कि जितनी भी हमें लंबी स्लीव बनानी है, उससे हमें 5 या 6 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें लेना होगा। लंबाई में हमने जिस स्लीव की कटिंग की है, हमें इसकी लंबाई रखनी है यहां से, ये देखिए 20 इंच की, हमें इसकी लंबाई 20 इंच की रखनी है। तो हमने इसमें 28 इंच का कपड़ा लिया हुआ है। ये देखिए, हमने 28 इंच का कपड़ा इसमें लिया है। अब तो इसकी स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें यहां से एक इसका सेंटर बना लेना है, क्योंकि इसी सेंटर से हमें इसकी स्लीव बनानी है जो डिजाइन बनाना है। देखिए दोस्तों, अब हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एकदम इसके सेंटर से। देखिए, हमने सेंटर से लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहां से 1-1 इंच का मार्जिन लेना है। सबसे पहले हम यहां से 1 इंच का मार्जिन यहां पे बना लेंगे। उसके बाद से हम 1 इंच का इधर और 1 इंच इधर, जो हमने सेंटर में मार्क किया है, इस मार्क के दोनों साइड में 1-1 इंच का निशान लगा के इसको हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने दोनों साइड लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहां से 1-1 इंच का मार्जिन लेंगे। हमने यहां 1 इंच का मार्जिन लिया है। अब यहां से हम 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे और उसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने पूरा लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसमें एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। ये जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं, इन बॉक्सेस के अंदर हमें ड्रॉ करना है। तो यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर एक बॉक्स को छोड़ के दूसरे बॉक्स में ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से हम एक एक बॉक्स को छोड़ के दूसरे दूसरे बॉक्स में ड्रॉ कर लेंगे। बॉक्स में हमने इस साइड ड्रॉ किया है, हम दूसरे साइड में उसके ऊपर वाले बॉक्स में ड्रॉ करेंगे। तो हम इसको छोड़ के इसमें ड्रॉ करेंगे और सेम लाइन ही हमें ड्रॉ करनी है। अब चलिए दोस्तों, इसमें हम डिजाइन बनाते हैं। तो दोस्तों, इसमें डिजाइन हम सुई की मदद से बनाएंगे, सुई और धागा। ये देखिए, हमने सुई और धागा ले लिया है। अब हम इसमें डिजाइन बनाते हैं। तो दोस्तों, यहां से हमें ये देखिए, जो ये कॉर्नर है, यहां से हम इसको स्टिच करना शुरू करेंगे। हमने इसको यहां से स्टिच किया। अब हम यहां इस कॉर्नर पे हम उठाएंगे, तो यहां हम हल्का सा ऐसे उठाएंगे और इसको हम यहां ऐसे मिला देंगे और यहां पे हम इसको ऐसे, यहां हम इसको धागे को बांध देंगे ताकि ये खुल ना पाए। अब हम यहां से धागे को कट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने एक साइड का किया है। अब ये जो दूसरे साइड का है, दूसरे साइड का बॉक्स जो है, यहां से हमने इसमें यहां से ऐसे उठाया, यहां से यहां उठाया है, तो इस वाले में हम यहां से यहां उठाएंगे। तो हम सेकंड वाला जो है इसमें उठाएंगे। तो देखिए, यहां से बीच के कॉर्नर से यहां हम बीच से उठाएंगे इसको और यहां
यहाँ पे इसको हम बांधेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ से इसको ऐसे बांध लेंगे। हम इसको कट कर देंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाले बॉक्स में हमने पहले बॉक्स में बनाया था उसी तरह इस बॉक्स में भी बनाएंगे। तो दोस्तों जैसे जैसे हमने लाइनिंग ड्रॉ की है उसी तरह से हम इसको टक करते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इसका लुक कुछ ऐसे आएगा सीधा करने पे। अब ये दोस्तों हमने इसे पूरा बना लिया है। ये देखिए, ये उल्टे साइड का है और अब हम इसे सीधा करेंगे। तो ये देखिए, ये सीधे साइड से, ये देखिए इसका कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमने आपसे कहा था इसमें हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, तो यहां से ये देखिए, ये पूरा 20 इंच का आ गया है। ये देखिए, अब दोस्तों हमें इसमें इसको यहाँ से इसको हम एक सिलाई यहाँ ऐसे लगा लेंगे। इसको यहाँ से जहां जहां से ये डिजाइन और ये प्लेट्स बने हैं यहाँ यहाँ से हम ऐसे इसको एक एक प्लेट्स बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ से एक पट्टी लगा लेंगे और ये स्लीव तैयार हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें पट्टी लगा लेंगे। तो इस कपड़े की हम पट्टी निकालेंगे। आप जितना चौड़ा चाहे उतना चौड़ा पट्टी इसमें लगा सकते हैं।
देखिए दोस्तों, हमने इस स्लिप को तैयार कर लिया है और ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह से और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके सामने लेके आती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।